हाय प्रहलाद, गुड गुड इवनिंग सर। आई इवनिंग। कैसे हो? एम गुड। अच्छा, आज कौन से स्टूडेंट कर रहे हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स सर। एफएम पहले हुआ नहीं क्या अपना? नो। चलो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, पीजोमीटर और मैनोमीटर में क्या डिफरेंस है? सर पीजोमीटर कैन ओनली बी यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल वेरिएशंस इन प्रेशर्स। Manometer can be used for large variation in pressure as well. Piezometer can be manometer can be used for measuring differential pressure as well, but piezometer is not used for measuring differential pressure. Piezometer is having one limb. Manometer can have two limbs as well. And for sensitive measurements, we use manometer. ये डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है? तुमने वर्ड बोला है, डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है ये बताओ मेरे। डिफरेंशियल प्रेशर इज व्हेन वी आर टेकिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ फ्लो, दैट वी कॉल्ड डिफरेंशियल प्रेशर। तो पीजोमीटर में नहीं ले सकते ये? वी कैन बाय यूजिंग टू पीजोमीटर्स। हाँ, तो क्या मैनोमीटर एक से हो जाएगा? यस सर, एक एंड इधर से एक एंड से ज्वाइन कर दो। अल्टीमेटली दो ट्यूब्स लानी पड़ेगी बेसिकली, वो ज्वाइंट ज्वाइंट है, सेम पीजोमीटर में हो जाएगा। तुमने बोला, पहले बोला भी डिफरेंशियल के लिए नहीं यूज कर सकते। मींस आइडियली वी डोंट यूज दैट, सो दैट्स व्हाट आई मीन। ओके, और क्या क्या डिफरेंस होते हैं? पीजोमीटर वी मेजर गेज प्रेशर, वी कैन ओनली गेट द रीडिंग ऑफ गेज प्रेशर, बट मैनोमीटर वी कैन गेट द एब्सोल्यूट रीडिंग एज़ वेल। Absolute reading कैसे लेते हैं मैनोमीटर में? Means we compare the pressure in terms of another fluid, for example mercury or anything, and from that we can get the pressure. Absolute pressure क्या होता है? Absolute pressure is the pressure exerted by the fluid column over a body. Means it is composed of both atmospheric pressure and vacuum pressure. Okay. Okay. अच्छा, एक simple सा question है मेरा। मेरे पास एक box है, box के अंदर gas है। Okay sir. अब ये बताओ कि मेरे पीजोमीटर लूं के मैनोमीटर यूज करूं, उसके अंदर प्रेशर मेजर करना है। पहला क्वेश्चन तो ये है। वी कैन यूज मैनोमीटर सर। पीजोमीटर नहीं यूज कर सकते? इफ इट इज गैस देन देयर इज अ चांस फॉर द गैस टू एस्केप। ओके, तो नहीं यूज कर सकते ना? आंसर तो दो पहले। नो वी कांट। ओके, तो मैंने गैस चैम्बर पे, मैंने अभी तुमने घर पे रखा हुआ है वो गैस का चैम्बर अभी अपने पास, और तुमने उसके ऊपर मैनोमीटर लगा के उसका प्रेशर नोट कर लिया। ओके सर, ठीक है। उसके ऊपर एक हाइट एच आई, राइट? एच हाइट आई, ओके, एच वन मान लेते हैं उसको, उसकी वैल्यू एच वन मान लेते हैं। उसकी बेस पे तुमने एक प्रेशर निकाला जो कि गेज प्रेशर है, राइट? गेज प्रेशर निकल आएगा ना इससे? यस सर। तो गेज प्रेशर को पी वन ले लेते हैं। डन। okay. यस yes. अब एक काम करो, तुम निकल गए उसके साथ घूमने। ओके okay. ठीक है, तुम चले गए पहाड़ों में। ओके okay. अब बताओ उसकी H1 हाइट, अब उसका नया हाइट जो आया वो H2 आई है, और P2 आया उसका गेज प्रेशर अकॉर्डिंग टू दैट। अब बताओ भी H1 के कंपैरिजन में ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कि बराबर रहेगा? सर H1 विल इंक्रीज। H1 will increase. Okay. Well, H2 is more than H1. Yes, sir. Okay. And what about P1 and P2? That will remain the same. Well, gauge pressure दोनों में same रहेगा, right? Yes, sir. Okay. No. हाँ. बोलो बोलो क्या बोल रहे थे? No, it will remain the same. कैसे? Gauge pressure का formula क्या? Gauge pressure will change because it's no, gauge pressure does not take into account the atmospheric pressure. It will not change. I think it will change because
सराउंडिंग तुम पहले डिसाइड कर लो, तुम तीन बार आंसर चेंज कर चुके हो, आराम से बैठो और एक एक सेकंड दो सेकंड लो और डिसाइड करके बताओ मेरे को, और क्या वैल्यू क्या होगी, पी वन पी टू इज ग्रेटर देन पी वन, पी टू इज लेस देन पी वन, पी टू इज इक्वल टू पी वन, तीनों ऑप्शन तुम्हारे पास आएंगे। P2 is equal to P1. That's my option. Okay, last question. Okay. Okay, sir. There are three pressure I know. First is called static pressure. Okay. Second is called stagnation pressure. Third is called dynamic pressure. तीनों का रिलेशन क्या है पहले तो ये बताओ। स्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू स्टैग्नेशन प्रेशर माइनस डायनामिक प्रेशर। दोबारा बताओ ना, स्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू स्टैग्नेशन माइनस डायनामिक। ओके, कैसे आया ये? सर डायनामिक प्रेशर इज वी स्क्वायर बाय 2g, डायनामिक प्रेशर हेड, तो स्टैग्नेशन प्रेशर इज पी जीरो, तो पी जीरो प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2g मींस स्टैग्नेशन प्रेशर इज द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड डायनामिक प्रेशर, सो वी हैव अ स्टैटिक प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड व्हिच इज इक्वल टू द डायनामिक प्रेशर हेड, सो दैट सम ऑफ बोथ विल गिव यू द गिव अस स्टैग्नेशन प्रेशर। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ, इफ आई वांट टू मेजर डायनामिक प्रेशर ऑफ अ फ्लो, ओके, हाउ विल आई डू इट? So we should have a setup where we have a piezometer as well as a pitot tube. So the pitot tube will give us the stagnation pressure. Piezometer will give us the static pressure. Difference between both will give us the dynamic pressure. Okay, very good. अब मैं feedback दे रहा हूँ. Okay sir. तुम्हारा knowledge अच्छा है. थोड़ा सा confusion जरूर है, लेकिन अच्छा है knowledge. शुरू से करते हैं वेलकम. Okay. सबसे पहले question मैंने पूछा piezometer और manometer में difference क्या है? तो तुमने डिफरेंस बताया कि वो कुछ कंफ्यूजन करती वहां पे आंसर देने में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती, लार्ज वेरिएशन स्मॉल वेरिएशन, वेरिएशन इज नॉट द राइट वर्ड, लार्ज प्रेशर स्मॉल प्रेशर। ओके, ठीक है, पीजोमीटर, जो पीजोमीटर है अगर उसमें लार्ज प्रेशर है चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर में फ्लो हो रहा है, तो पीजोमीटर में बहुत बड़ी हाइट रखनी पड़ेगी, इतना बड़ा पीजोमीटर हम अफोर्ड नहीं कर पाते, उसकी जगह हम मैनोमीटर रख लेंगे जिसकी हाइट ज्यादा बड़ी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। मैनोमीटर में हम नेगेटिव प्रेशर भी दे सकते हैं, यानी कि वैक्यूम प्रेशर भी ले सकते हैं, तुमने बोला वर्ड एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए यूज करते हैं मैनोमीटर, दोनों ही गेज प्रेशर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, गेज नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव प्रेशर हम निकालेंगे पीजोमीटर से, अगर नेगेटिव प्रेशर हुआ यानी कि वैक्यूम में चला गया प्रेशर, तो उसके लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं, गैस के लिए हम पीजोमीटर नहीं यूज कर सकते और लिक्विड के लिए हम कर सकते हैं, ये डिफरेंस है, और मैनोमीटर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, गैस के लिए भी और उसके लिए, ठीक है। अब वो गैस चैम्बर वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत सिंपल था, तुमने बहुत कंफ्यूज कर दिया, H1 और H2 की बात तुमने सही कही। अब ध्यान से सुनो, तुमने एक क्लोज्ड बॉक्स है, तुम उसको कहीं भी ले जाओ, उसका एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं चेंज होने वाला, गेज प्रेशर चेंज हो सकता है, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं चेंज हो सकता, ये याद रखना हमेशा। यस सर। जब तुम उसको हवा में ले गए तो गेज प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि बाहर एटमोस्फियर प्रेशर चेंज हो गया है, एटमोस्फियर प्लस गेज जो है वो सेम रहने वाला है। हाँ यस, ठीक है, तो उसके हिसाब से पी, जो पी अपना गेज प्रेशर है P2, दैट विल आल्सो बी ग्रेटर देन P1, तो आंसर है H2 विल बी ग्रेटर देन H1 एंड P2 विल बी ग्रेटर देन P1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुमने बहुत अच्छा दिया है, डायनेमिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट तुम्हें बिल्कुल क्लियर है, दैट इज गुड, गुड टू गो, दैट्स ऑल, थैंक यू, ओके ओके बाय।